Hello everyone. In this video, we will discuss one of the very important application of stack data structure, which is a Tower of Hanoi problem. So what do you mean by Tower of Hanoi problem? Ek example se isko hum samajhte hain. Again, this is a example of recursion. Matlab, ye recursion ka ek example hai. Recursion ka matlab already humne pehle factorial ka program banaya, usme humne dekha tha stack data structure ka jo one of the most important application hai, wo recursion hi hai. तो रिकर्जन के अंदर ही हम टावर ऑफ हैनोई को यूज करते हैं. रिकर्जन का मतलब है कि अ फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ इज नॉन एज अ रिकर्जन. नाउ टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है कि सपोज वी हैव अ थ्री टावर्स, हमारे पास में कोई थ्री टावर्स है, कितने भी हो सकते हैं, मैं एन की वैल्यू थ्री लेकर चल रहा हूं. सो लेट सपोज दिस इज अ ए टावर, बी टावर और ये हो गया सी टावर. ये थ्री टावर्स मेरे पास में है. इन थ्री टावर्स पर कुछ प्लेट्स हैं, ठीक है, ये रॉड्स भी आप बोल सकते हैं. तो कुछ प्लेट्स स्टोर्ड हैं, प्लेट ए, प्लेट बी, प्लेट सी, इस तरह से कुछ प्लेट्स हैं. ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई. नाउ इन तीनों प्लेट्स को उठाकर मुझे ए टू सी मूव कराना है. बट यहां पे तीन रूल्स हमें दिमाग में रखने हैं. रूल नंबर वन, एक बार में कोई एक ही प्लेट मूव होगी. रूल नंबर टू, कोई भी छोटी प्लेट पर बड़ी प्लेट नहीं आना चाहिए, ठीक है. मतलब कोई भी यदि प्लेट मेरे पास में स्मॉल प्लेट है तो इस स्मॉल प्लेट पर लार्ज प्लेट नहीं आना चाहिए, रूल नंबर टू, ठीक है. उसके बाद में हमें करना क्या है, इस पर्टिकुलर ए रोड से ये तीनों के तीनों प्लेट्स को मुझे मूव कराना है सी रोड पर. बट कंडीशन इज मिनिमम से मिनिमम हमारे पास में मूवमेंट होने चाहिए, ठीक है. तो देखिए किस तरह से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर मैं एल्गोरिथम को भी आपको एक्सप्लेन करूंगा. नाउ सबसे पहले जो सबसे स्मॉलेस्ट रॉड है उसको ए टू सी हम यदि मूव करा दें, ए टू सी स्मॉल रॉड को, तो स्मॉल रॉड को ए टू सी मूव करा दिया, इट इज अ सी, ठीक है. यहां पे क्योंकि ए बी सी लिया है तो इसको हम कोई और नेमिंग कर देते हैं, या इसको कर देता हूं दिस इज अ एक्स, ये वाई हो गई, ये मेरी जेड रॉड हो गई. नाउ सी मेरा यहां से मूव हो गया. जैसे ही सी मेरा मूव हो गया, अब इस रॉड पे मेरे पास में क्या बचा हुआ, बी. तो बी को मैं सी पर मूव, मतलब जेड पर मूव नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर जो रॉड है वो स्मॉल है एज कंपेयर टू रॉड बी, मतलब प्लेट नंबर बी. तो प्लेट नंबर बी को मैं कहां पे मूव करा सकता हूं, ए एक्स टू. तो यहां पे फिर से मैं चेंज कर देता हूं, पहला एक्स टू जेड मूव किया मैंने, दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, एक्स टू वाई मूव कर सकता हूं उस पर्टिकुलर प्लेट को, ठीक. नाउ यहां से दो प्लेट्स मैंने यहां से मूव कर दी, थर्ड प्लेट अभी मेरी यहां पर रखी हुई है. नाउ अब क्या कर सकता हूं मैं, क्या मैं अब इस पर्टिकुलर जेड वाली प्लेट को, मतलब रोड नंबर जेड पर जो प्लेट है उसको वाई पे शिफ्ट कर सकता हूं, यस मैं कर सकता हूं, क्योंकि बड़ी प्लेट पर छोटी प्लेट आ सकती है. तो ये सी हो गई मेरी, ये बी प्लेट हो गई, ठीक. तो यहां से इसको मैंने मूव कर दिया, तो हमने क्या किया, जेड टू वाई मूवमेंट किया. नाउ इसके बाद में क्या मैं इस पर्टिकुलर लार्ज वाली प्लेट को ए टू, मतलब एक्स टू जेड कर सकता हूं, तो एक्स टू जेड कर सकता हूं, क्योंकि इस पर्टिकुलर रॉड में कोई भी प्लेट मेरी नहीं है. तो ए को मैंने एक्स टू जेड मूव कर दिया. नाउ उसके बाद में अब वाई टू सी, वाई टू एक्स कर सकता हूं मैं, मतलब इस पर्टिकुलर स्मॉल वाली रॉड को इस पर्टिकुलर एक्स जेड पर मूव किया जा सकता है, यस किया जा सकता है. तो वाई टू एक्स कर देते हैं हम. Now y to x मतलब यहां से ये वाली c rod उठ के अब आपकी यहां पर आ गई है. अब ये पर्टिकुलर रॉड को मैं मूव कर सकता हूं, तो y to z किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये यहां पे आ गई मेरी, तो रॉड नंबर b. और फाइनली मैं रॉड नंबर c को, मतलब प्लेट नंबर c को रॉड नंबर z पर मूव किया जा सकता है. तो ये हो गया x to z. तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ यदि मूवमेंट्स की बात करें तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो टोटल 7 मूवमेंट्स हमें यहां पर लगे. तो यहां पे एक डायरेक्टली फॉर्मूला भी बनता है 2^n-1 का, और 2^n यदि हम चेक करें तो 2^n यदि हमारे पास में n क्या है, नंबर ऑफ रॉड्स, तो कितने नंबर ऑफ रॉड्स हो गए, 2^3, ठीक है, और -1, -1. तो ये कितना हो गया मेरे पास में, 7. तो टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितने हो गए मेरे पास में यहां पर, 7. तो 7 मूवमेंट्स मेरे यहां पर लगेंगे. दिस इज द नंबर ऑफ प्लेट्स, ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ प्लेट्स, नंबर ऑफ प्लेट्स, नॉट रोड्स, दिस इज द नंबर ऑफ प्लेट्स. सो ये है हमारी टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम.
बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, रिकर्सिवली कॉल करते जा रहे हैं। दैट्स व्हाई ये एल्गोरिथम क्या कह रही है आपकी, यहाँ पे हमने तीन चार चीजें आर्ग्यूमेंट में पास की है। फर्स्ट वन इज अ डिस्क, कितनी नंबर ऑफ डिस्क है, मतलब कितने नंबर टावर्स है। एक मेरे पास में सोर्स है, एक मेरे पास में इंटरमीडिएट नोड है, और एक मेरे पास में डेस्टिनेशन है। तो इस सोर्स टू डेस्टिनेशन मुझे मूव कराना है विद द हेल्प ऑफ ए इंटरमीडिएट टावर। नाउ पहली कंडीशन, इफ डिस्क इज इक्वल वन, यदि एक ही डिस्क है, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर में एक ही डिस्क रखी हुई है, एक ही प्लेट है, तो इसको मूव करने के लिए क्या होगा, मूव डायरेक्टली हम एक डिस्क को कर सकते हैं सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यदि ऐसा नहीं है, मोर देन वन डिस्क है आपके पास में, तो यहाँ पे रिकर्सिवली कॉल करेंगे। सबसे पहले आप टावर डिस्क माइनस वन, मतलब टोटल नंबर थ्री डिस्क है, तो माइनस वन तो कितनी, टू डिस्क यहां से मूव होगी। ठीक है, एक सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, इंटरमीडिएट नोड्स हो गया, तो ये आपका रिकर्सिवली कॉल होता रहेगा क्योंकि टावर को हम कॉल कर रहे हैं रिकर्सिवली। देन उसके बाद में मूव कर रहे हैं डिस्क को फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन हम मूव कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड लाइन जो हमने लिखी एल्स वाले पार्ट के अंदर, हमारे पास में डिस्क माइनस वन, इंटरमीडिएट नोड को यूज करेंगे, देन सोर्स टू सोर्स को यूज करेंगे और डेस्टिनेशन को यूज करेंगे। मतलब जिस तरह से मैंने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दिखाया आपको, उसी तरह से हम ये, मतलब ये बेसिकली ये एल्गोरिथम कॉल हो रही है, इसी तरह से आप रिकर्सिवली कॉल करते जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द टावर ऑफ एनोई प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।